हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी के लिए बनाना प्यूरी कैसे बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पर दो मेथड से आपको बनाना प्यूरी बनाकर दिखाऊंगी, जो कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए यूज़ होती है। जैसे 6 to 8 मंथ के लिए अलग और 8 to 12 मंथ बेबी के लिए अलग मेथड से बनाना प्यूरी बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना प्यूरी बनाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक 6 to 8 मंथ बेबी के लिए कैसे बनाना प्यूरी बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले बनाना को कर लेना है पील, और एक 6 to 8 मंथ बेबी के लिए पूरे दिन में हाफ बनाना एनफ है। आप चाहे तो इससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ बनाना, और इसको फिर कर देते हैं हम एक नाइफ़ की हेल्प से कट पीसेस में, और उसके बाद इसको हम करेंगे ग्राइंड। आप चाहे तो ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। और इसको बिल्कुल थिन कंसिस्टेंसी में हमें ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि एक 6 to 8 मंथ बेबी को बिना लम्ब्स का प्यूरी देना होता है हमें। तो ये देखिए बिल्कुल थिन कंसिस्टेंसी इसकी है। और अगर आपके बेबी ने अभी अभी सॉलिड स्टार्ट किया है, मतलब 6 मंथ के अराउंड है आपका बेबी, तो आपको इसको थोड़ा पतला कर सकते हैं मिल्क मिलाकर। फॉर्मूला मिल्क इसमें मिलाइएगा थोड़ा, और ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन हो जाएगी, जो आप एक बच्चे को दे सकते हैं 6 मंथ बेबी के, जिसने अभी भी सॉलिड स्टार्ट किया है। अब बात करते हैं कि एक 8 to 12 मंथ बेबी के लिए कैसे बनाना प्यूरी बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पर हाफ बनाना की आपको बनाना प्यूरी बनाकर दिखा रही हूँ, और एक 8 to 12 मंथ बेबी को 1 बनाना पूरे दिन में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहले बनाना को कर लेना है कट, और उसके बाद एक फॉक की हेल्प से इसको कर लेना है मैश। इस बार हमें प्यूरी नहीं बनानी है, इस बार फॉक की हेल्प से मैश करना है, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रहे। एक 8 to 12 मंथ का बच्चा इतनी थिक कंसिस्टेंसी का बनाना प्यूरी ले सकता है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कर दिया है फॉक की हेल्प से मैश, और बना दी है इसकी थिक कंसिस्टेंसी की प्यूरी, आप देख सकते हैं। और ये 8 to 12 मंथ बेबी के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।